नमस्कार, मैं हर्षित गुलाटी, वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली में बढ़ रहे कोविड मामलों के बीच सत्येंद्र जैन का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या है ये बयान, जानने के लिए देखें हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन आते ही दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को 3 से 4 हफ्तों में वैक्सीनेट कर सकेगी। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक से सुविधाएं ली जाएंगी। दिल्ली के अंदर वैक्सीन जब भी मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर सारी दिल्ली को लगा देंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो हमारे पास लगाने के पूरे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी हमारे को मिलेगी वैक्सीन, जैसे ही मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को लगा देंगे। मगर साथ ही जब एक रिपोर्टर ने उनसे दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के ऊपर सवाल पूछे तो वह चुप रहे। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।